हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कुक टू लिव में। आज मैं आप लोगों के लिए एक अनूठी सैंडविच लेकर आई हूँ जो कि घर में अवेलेबल चीजों से बनी है और आम से बनी है। मेन इंग्रेडिएंट है आम। वैसे भी आम का सीजन अब जा रहा है, लेकिन इसको मैंने घर में अवेलेबल चीजों से मलाई से आम से उससे बनाई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको जरूर बनाए, खाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। आइए अब हमारी स्वीट सी मैंगो सैंडविच बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउन ब्रेड की 6 स्लाइस लेकर उनको गोल काट लेंगे। अगर आप इसको चौकोर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एजेस काट लें। हम इसमें घर की मलाई यूज करेंगे, तो हम 1 कप मलाई ले लेंगे और उसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। फिर उसमें 2 चम्मच चीनी मिला लेंगे। इसको हम एकदम क्रीमी कर लेंगे और इसको यूज करेंगे। इसकी जगह आप क्रीम चीज और व्हिपिंग क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। इस क्रीमी मिक्सचर को हम सभी स्लाइसेस पर लगा लेंगे। मैंगो को मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। उन स्लाइसेस को अब हम एक पीस पर लगाएंगे। मैंगो स्लाइसेस से एक ब्रेड के स्लाइस को हम कवर कर देंगे। दूसरे ब्रेड स्लाइस से हम उसको कवर कर देंगे, लेकिन मलाई वाला पोर्शन ऊपर रखेंगे। थोड़ी सी ड्राइड कीवी लेकर उसको हम श्रेड कर लेंगे। गीली अगर हम ताजी कीवी लगाते तो वो थोड़ा जूस छोड़ देती, तो मैंने इसमें ड्राइड कीवी का यूज किया है। श्रेडेड कीवी से ब्रेड के स्लाइस को हम कवर कर देंगे और टमाटर का, चेरी टमाटो का स्लाइस काट के बीच में लगाएंगे और उसके ऊपर एक मैंगो का स्कूप लगा देंगे। हमारी झटपट तैयार हो जाने वाली खूबसूरत सी सैंडविच रेडी है। देखिए, रूटीन की सैंडविचेस से ये सैंडविच एकदम अलग है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी और हम सबको भी अच्छी लगेगी। एकदम से इसमें चेंज है तो, और हमने आम का यूज़ किया है स्वीट एंड साथ, जरा सा साथ में टमाटर का भी टंच आएगा और इसमें की मलाई में थोड़ा सा लेमन और डाल दें तो और भी मज़ा आएगा। फायरलेस कुकिंग की ये एक बेजोड़ रेसिपी है जिसको आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। बच्चों को इसमें मौका दें, वो अपना दिमाग यूज़ करें, तरह तरह से इसको बनाएं। तो आप इसको बनाएं, बच्चों को कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।